नमस्कार दोस्तों, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज आप सभी के लिए अपडेट लेकर आए हैं, जिन कैंडिडेट ने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से बीएड एक साल की थी या फिर आप लोगों की दो साल की थी, उसका आप लोगों ने अगर एडिशनल का कोई सब्जेक्ट अप्लाई किया हुआ, यानी कि आपने या तो आप लोगों का टीचिंग ऑफ कोई भी मतलब किसी भी सब्जेक्ट का टीचिंग सब्जेक्ट ऐड करने के लिए अप्लाई किया हुआ है, या फिर आप लोगों ने पैडागोजी का कोई ना कोई सब्जेक्ट ऐड करने के लिए बीएड एडिशनल का फॉर्म अप्लाई किया हुआ है। जो पैडागोजी है वो आप लोगों का जो जिनकी दो साल की बीएड थी उन कैंडिडेट के लिए है, और जिनकी एक साल की बीएड थी उनके लिए टीचिंग सब्जेक्ट ऐड करने का। और उसका जो आप लोगों का कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की डेट शीट से रिलेटेड आप लोगों के सवाल आ रहे थे, बहुत से डाउट थे, मेरे मन में भी डाउट थे, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता था, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोगों की क्या डेट शीट रहेगी, कहां से कैसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरी की पूरी डिटेल आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हम प्रोवाइड करवाएंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। जैसे आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.kuk.ac.in, यानी कि जो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पे आप लोग जाओगे, इस तरीके का आप लोगों को इंटरफेस दिखाई देगा। इसके अंदर आप लोगों को जाना है एग्जामिनेशन में। एग्जामिनेशन में जैसे ही क्लिक करोगे आप लोगों के सामने आएगा एक डेट शीट का ऑप्शन। डेट शीट के ऑप्शन में जाने के बाद आगे, अभी थोड़ा नेटवर्क स्लो होने की वजह से थोड़ा लेट हो सकते हैं, लेकिन आप लोग देखें, इसके अंदर आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट दिखाई देंगे, थ्योरी के अलग, प्रैक्टिकल के अलग। लेकिन थ्योरी वाले में जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे और इसके अंदर आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा डेट शीट, बिल्कुल नीचे जाने के बाद ये आप लोगों की डेट शीट है 132-133। इसमें आप लोगों की बीएड की जो डेट शीट है, इसके अंदर आप लोग अगर आप लोगों को मतलब एक साल की आप लोगों की बीएड थी और एक साल की वाली बीएड के लिए आप लोगों को एक डेट शीट नंबर 133 क्लिक करनी है। मतलब आप लोगों का जो भी टीचिंग सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपना एडिशनल का पेपर एग्ज़ाम दे दीजिए। और अगर आप लोगों की दो साल की बीएड रही है और दो साल की बीएड में आप लोगों को अपना कोई पैडागोजी का सब्जेक्ट ऐड किया है, तो उसके लिए आप लोगों को एक जो डेट शीट नंबर है वो 132 में आप लोगों की जो डेट शीट रहेगी ये आप लोगों का पार्ट वन की है। और इसके अंदर आप लोगों ने एडिशनल का जो भी सब्जेक्ट है, मैं इसको ओपन करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। मान लो आप अगर आप लोगों ने 132 को डाउनलोड करोगे, आप लोगों के स्क्रीन पे ये आप लोगों की डेट शीट ओपन हो गई है। ये आप लोगों की जो एडिशनल की डेट शीट है, ये प्रॉपर आप लोगों की एडिशनल की डेट शीट है। इसमें आप लोगों के 10 जून से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, 10 जून से तो आप लोगों में वो है, लेकिन अगर आप लोग पैडागोजी की अगर बात करें, हम 24 जून से आप लोगों में पैडागोजी के सब्जेक्ट स्टार्ट हैं। आप लोग इस पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो भी अगर आप लोगों ने इनमें से अगर कोई सब्जेक्ट अप्लाई किया हुआ है तो आप लोग ये डेट शीट देख लीजिए, इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने एग्ज़ाम दे दीजिए। और अगर हम बात करें आप लोगों के जिनकी एक साल की बीएड थी उनकी, एक साल वाले बीएड के लिए था आप लोगों का डेट शीट नंबर 133 को हम ओपन करेंगे। और 133 को ओपन करने के बाद अभी आप लोगों को आपके जो टीचिंग के सब्जेक्ट हैं उनको दिखा देंगे एक बार। ये अभी थोड़ी डाउनलोड होने में आप लोगों को टाइम लग रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। और एग्ज़ाम आप लोग दीजिए अच्छे से। माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, इसमें हमारा तो नेटवर्क तो है थोड़ा वो स्लो है, इस वजह से आप लोगों के सामने वो डेट शीट नहीं है, लेकिन आप लोग 133 नंबर डेट शीट को ओपन करोगे तो उसके अंदर आप लोगों जिस भी शेड्यूल में आप लोगों का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम दीजिए। ये आप लोगों की दोनों डेट शीट थी, 132 नंबर और 133 नंबर। 132 नंबर जो डेट शीट है वो आप लोगों की जो आप लोगों का दो साल का कोर्स था उनके लिए है, और 133 नंबर है वो एक साल वालों कोर्स के लिए है, यानी कि टीचिंग सब्जेक्ट। तो ये देख लीजिए आप लोग, यही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आए थे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।